देश दुनिया में कोरोना का खतरा। जापान में एक दिन में हुई 451 मौतें। भारत में 134 नए मामले सामने आए। जापान टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार 19 जनवरी को वहां 96,392 मामले दर्ज किए गए। राजधानी टोक्यो में कोरोना के मामलों की संख्या 7,719 रही। मौत का आंकड़ा 451 रहा। 681 लोग अस्पताल में भर्ती हुए। जापान और साउथ कोरिया के नागरिकों पर बैन के बाद अब चीन के कुछ लोगों को देश में आने की छूट दी। उनके लिए वीजा के नियमों में ढील की है। इधर भारत में गुरुवार को 19 जनवरी को 134 नए मामले सामने आए। हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक देश में अभी भी 989 एक्टिव केस है। कोरोना के शुरुआती दौर से अब तक देश में 5,00,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। चीन में नए साल का जश्न 21 जनवरी से शुरू हो रहा है। ये वहाँ का दिवाली जैसा उत्सव है। इससे पहले ही ट्रेवल चरम पर पहुँच गया है। आंगडोंग प्रांत के गवांगझोंग शहर में 7 जनवरी से आवाजाही बढ़ने लगी है। यहाँ रेल के जरिए आने जाने वालों की संख्या रोजाना 16.4 लाख से ऊपर निकल गई है। गवांगझोंग साउथ रेलवे स्टेशन दक्षिणी चीन के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट सेंटर्स में शुमार है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेल प्रशासन ने नाइट शिफ्ट वाली अतिरिक्त 151 हाई स्पीड ट्रेनें चलाई हैं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।